Hello my dear students, welcome again in my channel. So today my topic of discussion is very important for your board examination, and my topic of discussion is external and internal structure of kidney. Basically we are going to discuss about structure of kidney. Structure of kidney. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे हम लोग दो चीजें देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर. तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें किडनी में, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास दो किडनीज है, वन ऑन ईच साइड ऑफ बैकबोन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. राइट किडनी थोड़ी सी लोअर लेवल पे होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन राइट साइड. हमारे पास राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है. राइट और लेफ्ट में ये थोड़ी सी लोअर लेवल पे होगी राइट किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी. Above each kidney is present an adrenal gland. और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मिलेगा जिसका कि नाम है एड्रिनल ग्लैंड. अगली बात करें तो किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, और हर एक किडनी का शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है. किडनी आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. About the size of fist. Fist के साइज के बराबर होती है, एक मुट्ठी के साइज के बराबर. और हर एक किडनी में मिलियन यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन्स की. किडनी में आप लिख सकते हैं मिलियन यूनिट्स ऑफ, मिलियन में लगभग 10^6 हो गया ना, मिलियन यूनिट्स ऑफ नेफ्रॉन्स. और नेफ्रॉन ही मेन फंक्शनल यूनिट है दैट फिल्टर ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट. जितने भी नाइट्रोजनस और दूसरे एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो पास आउट होंगे किडनी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, हाउ नेफ्रॉन इज गोइंग टू मेक यूरिन. और अगर हम इसे किडनी के कॉन्केव साइड पर देखें तो एक डिप्रेशन है जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइलम. एक स्मॉल डिप्रेशन है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइलम. वेयर इट इज प्रेजेंट ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी. On the concave side of kidney. And from where renal artery enters and renal vein and ureter leave the ureter जो है किडनी को लीव करे. इंटरनल स्ट्रक्चर अगर किडनी की बात करें स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल सेक्शन अगर किडनी की बात करें तो जो आउटर सर्किल है वहां पे हम लोग उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं या फिर कॉर्टिकल रीजन होता है. और जो दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स हम लोग उसको बोलते हैं मैडुलरी रीजन. उस रीजन को बोलेंगे मैडुलरी रीजन. और एक फनल शेप्ड रीनल पैल्विस रीजन होगा. रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर मोस्ट है. जो कॉर्टेक्स रीजन है ये आउटर होता है और जो रीनल मेडुला है ये इनर है. अगर ये आउटर मोस्ट रीजन है टुवर्ड्स द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी होगा, कॉन्केव सर्फेस ऑफ किडनी. यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस होंगे, ग्लोमेरुलाई होंगे नेफ्रॉन्स के. और ये डार्क होगा, डॉटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे मैल्फीजन कैप्सूल्स नाम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. और रीनल मेडुला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रीनल टिब्यूल्स होंगी, कलेक्टिंग डक्ट होंगे, रीनल पिरामिड्स होंगे. आप लिख सकते हैं मेडुलरी रीजन में टिब्यूल्स होंगी. रीनल, रीनल वर्ड हम लोग किडनी के लिए यूज कर रहे हैं. कलेक्टिंग डक्ट होंगे. रीनल पिरामिड्स होंगे एंड द कॉनिकल शेप ऑफ पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू रीनल पैल्विस. और एक रीनल पैल्विस होगा जो कि लार्ज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, रीनल पैल्विस. बिहाइंड द मेडुला रीजन
और यूरिन कलेक्ट होगी रीनल पैल्विस में और ये यूरेटर में पास डाउन होकर जाएगी, और जो पैपिला है पिरामिड का वो प्रोजेक्ट होगा इनटू रीनल पैल्विस। हर एक किडनी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स, जिसको कि हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं नेफ्रॉन्स। आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, बेसिक यूनिट। और एक किडनी में मोर देन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। वन किडनी में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। और अगर अगली हम लोग बात करें तो हर एक नेफ्रॉन ओरिजिनेट होगा कॉर्टेक्स रीजन से और एक्सटेंड होगा मेडुला में। और रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So this is all about today's lecture, students. I hope we will meet soon. Thank you.